गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसे ब्लॉग भी कह सकते हो या फिर कुछ भी कह सकते हो, तो आई होप कि आपको पसंद आए। तो मैं सुबह सुबह सोई थी, जब सुबह उठना होता है ना ऐसा लगता है कि मौत आती है, बिल्कुल ही उठा नहीं जाता, खासकर ठंड में। ठंड में तो ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं। तो मैं टाइमिंग देखी सुबह सुबह, उसके बाद टाइम देखे तो मुझे लग रहा था कि उठ जाना चाहिए, फिर मैं सो गई थी। तो अब सोची नहीं यार चलो उठ जाते, अब क्या रखा हुआ काम तो मुझे ही करना है। तो आज बहुत सारे काम थे तो सोची मैं अपने पहले सबसे पहले बालों को कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने सिर्फ सादे पानी से फेस धोई हूँ ताकि मेरी नींद खुल जाए अच्छे से। और अब देखो मेरे थोड़े बहुत पिंपल भी निकल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इसे भी ठीक हो जाएंगे। तो इसे आना जाना लगा रहता है पता नहीं क्यों। तो मैं खिड़की खोल के देखी बाहर, तो बाहर में काफ़ी धूप थे। उसके बाद मैं अपना बिस्तर भी सेट करूँगी और चादर वगैरह जो भी होता है बेडशीट का सब चीज़ चेंज करूँगी। तो ये मेरा ब्लैंकेट जो था कंबल, उसे मैं फोल्ड करके रखूँगी क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना होता है। तो घर में कोई है नहीं, सिंगल ही हूँ तो इसलिए। तो फिर उसके बाद मुझे चादर भी चेंज करना, तो चादर मैं बिछा ली हूँ, इस तरह से बिछा रही हूँ। और उसके बाद मुझे भी बहुत सारा काम था, सोची मैं वो भी शेयर करूँगी। फिर उसके बाद ये मेरा रूम पूरा क्लीन हो गया है। फिर उसके बाद ये जो मैं लगाती हूँ, सारे तो नहीं लगाती बट थोड़े बहुत जो लगाती हूँ, ये सब थोड़ा मैसी बना हुआ था तो इसे भी मैं सहत के रख दी अच्छे से। और फिर उसके बाद बुक्स वगैरह, चार्जर वगैरह सारे चीज़ यहीं पे थे, ग्लास वगैरह तो सब कुछ मुझे ये है। एक्चुअल में ये पढ़ने वाला स्टडी टेबल है बट इसे खाने पीने का भी रखी हूँ, बना के देखो आप, ग्लास वगैरह सब कुछ इसी पे। तो बुक को मैं सेट कर ली अच्छे से। फिर उसके बाद सारा मैं ग्लास वगैरह जो भी बर्तन वगैरह होता है सारा चीज़ लेके मैं किचन में चली जाऊँगी। तो ये मेरा फ़ोन है और जो मैं अभी फ़ोन, फिर उसके बाद मुझे करना है अपने बालों को, आज वॉश करना था तो सोची मैं ऑयल कर लेती हूँ सबसे पहले। नाइट में करना भूल गई थी तो मैं रात में ही लगाती हूँ, लेकिन अभी सुबह में लगा रही हूँ। सोची चलो मैं ये भी शेयर कर देती हूँ आपके लिए, ये भी क्लिप ऐड कर देती हूँ। तो अपने बालों पर मसाज कर रही हूँ ऑयल से। तो वैसे मैं रेगुलर ऑयल नहीं लगाती है जो कि बहुत ही बैड आदत है, बहुत ही गंदी आदत है, लेकिन मैं जब भी सिर धोती हूँ, बाल धोती हूँ और मैं उसके बाद ऑयल करती हूँ अपने बालों पे। तो मैं अपने बन बना ली, उसके बाद मुझे झाड़ू वगैरह भी देना था तो अपने रूम में झाड़ू वगैरह भी दे रही हूँ और वो भी ऐड कर ली। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह कुछ थे बचे हुए तो बर्तन भी मैं धो रही हूँ। और आप लोग को मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा बट मैं बर्तन भी ये भी धो रही थी, सोची चलो यार ये भी क्लिप ऐड कर देती हूँ, क्या पता आप लोग भी देख लो। फिर उसके बाद मुझे नहाना भी था तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और फिर नहा लूँगी। तो ब्रश कर रही हूँ और कॉलगेट मतलब मुझे मिल ही नहीं रहा था, सोची मैं कैसे करूँ तो मिल गया, उसके बाद मैं ब्रश करूँगी और उस अच्छे से। तो अब मैं ये फर्स्ट बार ही डाल रही हूँ वीडियो, वैसे मैं शॉर्ट ही बनाती हूँ बट सोची मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद ये हमारा हो गया ब्रश किया हुआ, तो मैं ब्रश कर ली और उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो मेरे पास ये ट्रेस्मी का शैम्पू है, इसे मैं अपने वॉश करूंगी। सोची ये भी क्लिप आप लोग के लिए ऐड कर दूँ, तो ये मैं कर ली। फिर उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नहाने के बाद आप लोगों से। तो ये मैं नहा के आ गई। फिर उसके बाद करना था हमें स्किन केयर। स्किन केयर करने के लिए सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर लगा रही हूँ, और आप लोग को टोनर इसकी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए क्योंकि टोनर से हमारे स्किन पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर पिंपल वगैरह निकल जाते तो ये थोड़े बहुत, अगर प्रॉपर आप अपने स्किन केयर करोगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट सनस्क्रीन। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, फ्लिपकार्ट में ही मिल जाता है ये, और ये नेचुरल का है तो ये काफ़ी सस्ती भी है, आप लोग भी ले सकते हो। तो मैं ये मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और सॉरी सनस्क्रीन लगा रही हूँ, ये फ्लिपकार्ट से मैं ली थी। और सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी होती है, खासकर ठंड में तो बहुत ज़्यादा, ऐसे भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ अपने फेस पे। वैसे मैं इतना स्किन केयर करती नहीं हूँ, करती तो आज मेरे भी स्किन बहुत अच्छे होते बट सोची आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ ताकि आप लोग भी इस तरह से कर सको। ज़रूरी नहीं कि महंगे ही होने चाहिए, कोई भी हो आप कर सकते हो। तो मैं कर ली क्योंकि मेरे फेस पर कुछ दिनों से आ रहे थे पिंपल वगैरह, इसीलिए। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट लगाऊँगी लिप बम। ये खुली नहीं रहे थे मेरे हाथ से, फिसल रहे थे क्योंकि मैं भी जस्ट मॉइस्चराइजर लगाई हूँ इसलिए। तो मैं खुली बहुत ही ट्राई करने के बाद, फिर उसके बाद मैं अपने दांतों से खोली और ये फाइनली खुल गया। तो मैं अपने लिप पे मॉइस्चराइज के लगा ली, मॉइस्चराइजर लिप बाम सॉरी। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, सोची मैं खा लेती हूँ। फिर बोली नहीं पहले अपने बालों को ठीक कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही गीले गीले से थे,
तो अपने बालों को सुखा रही हूँ, और इस तरह से मेरे पास जो टी शर्ट वगैरह थे उससे मैं पोंछ रही हूँ। तो ये हमारा बाल अभी भी गीला ही है, सोची छत पे भी चले जाओ, तो फिर मन नहीं किया जाने का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो मेरा बाल भी सूख गया। अब देखो, फिर उसके बाद मुझे भूख लगा, आप खा लेती हूँ, तो मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, तो अभी मैं बैठी हूँ, और संतरा इसे कहते हैं ना, ऑरेंज, वही मैं खा रही थी। तो सोची आप लोगों के साथ ये भी दिखा दूँ, क्योंकि सुबह से ही नहीं कुछ खाई थी, आप लोग भी देखे होंगे, तो बहुत सारे काम था। तो और ये फल आपको खाना ही चाहिए, विटामिन इसमें सी होता है, तो ये ऑरेंज है, मैं सोची आप लोग खिलाओ, फिर याद आया कि आप लोग कैसे खिला सकती हूँ, आप लोग तो कैमरा पे हो, फ़ोन पे देख रहे हो। तो उसके बाद मुझे मेरे मुँह में बीची आ गई थी, तो वो भी मैं मुझे अजीब लग रहा था तो निकाल दी। फिर उसके बाद मैं दूसरा वाला खा रही हूँ, तो ऐसे करते करते खा ली। फिर उसके बाद ये जो छिलके बच गए थे इसे मैं फेंकूँगी नहीं, इस छिलके को मैं अच्छे से सारे इकट्ठे करके मैं सोची छत पे डाल देती हूँ, इसका फेस पैक बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं छत पे जा रही थी, तो छत पे जाते जाते मुझे याद आया कि काफ़ी ज़्यादा धूप है, चप्पल पहन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। तो मेरे बाल वैसे ही हैं, तो काफ़ी फ्रीजी से बाल हो गए थे, सोची मैं डाल देती हूँ पहले छत पे, उसके बाद नीचे जाऊँगी तो बालों पे कुछ लगा लूँगी, ताकि हमारे बाल फ्रीजी फ्रीजी से जो है नॉर्मल हो जाए। तो मैं इस तरह से लगा, मतलब डाल दी छत पे सूखने के लिए, और ये जब सूख जाएगा तो इसे पाउडर बनाऊँगी, इस ऑरेंज के पत्ते से, क्या कहते हैं, पत्ते ही होते हैं ना, छिलके, हाँ छिलके से। तो काफ़ी ज़्यादा धूप थे, तो मैं सोची अब जाती हूँ मैं नीचे, बहुत ज़्यादा धूप हो गए हैं, और ये बाहर का इस तरह से मौसम है आप देखो, तो छत पे कोई भी नहीं है, तो हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो मैं सोची अब जाती हूँ नीचे, तो मैं नीचे आ गई वापस से, तो अपने घर में आ रही हूँ। तो मैं अपने घर पे आ गई वापस से, उसके बाद मेरे पास जो सीरम था, सीरम भी ख़त्म हो चुका था, तो मैं सोची क्या लगाऊँ, तो फिर भी अपने पास जुगाड़ू आइडिया था, तो उसे निकाल के बालों पे लगा रही हूँ इस तरह से सीरम। और नहीं आपके पास तो इसे भी स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं ऐसे ही, मेरा दोपहर तक तो ऐसे ही चला जाता है बिना खाए पिए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, तो मैं जल्दी नाश्ता भी नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद अपने बालों को कॉम से कॉम कर ली, झाड़ ली अपने बालों को, अगर मेरी वॉइस तो इसी ऊपर नीचे हो रही हो तो थोड़ा सा ही कर लीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट बार बनाई थी और क्या कर रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लोगों के लिए क्या करूँ। तो ये हो गया, फाइनली रात हो गई है, अम्बरीश की क्लिप मैं आप लोगों के ऐड नहीं कर पाई थी क्योंकि गेस्ट आ गए थे, तो इसीलिए, तो उसके लिए सॉरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं ये फेस वॉश लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे सोना था तो फेस वॉश लगा के, और उसके बाद फिर उसके बाद एक सीरम लगाना था तो लगा ली। और आपको वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट मैं कौन सा क्या वीडियो बनाऊँ आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हो। बाय बाय।